आज जिस चैप्टर की समरी जानने वाले हैं, ये चैप्टर है बोली क्लास टेंथ का फुटप्रिंट विदाउट फीट, और बहुत ही प्यारी ये कहानी है जिसको लिखी है के एस अब्बास ने। तो शुरू करते हैं बोली की कहानी। बोली का जो रियल नाम था वो था सुलेखा। सुलेखा नंबरदार रामलाल की चार बेटियों में से एक बेटी थी। टोटल संतान थे उनके सात, सात बच्चे थे, मतलब हाँ वही है कि अगर थोड़ा और मेहनत करते तो 11 बच्चे हो सकते थे, पर खैर सात बच्चे थे जिनमें से तीन लड़के थे और चार लड़कियां थी। तीन लड़कों को उन्होंने सेटल कर दिया था, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर दी थी। लड़कियों को वहाँ पे जो माहौल था वो ऐसा नहीं था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, तो लड़कियों पर ज़्यादा वो फोकस करना ही नहीं चाहते थे। अब जो हमारी सुलेखा थी उसका नाम भोली कैसे पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या है कि जब वो 10 महीने की थी तो एक बार वो बेड से गिर जाती है, और बेड से गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगती है जिसके वजह से उसको थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम होती है। तो लोग ताना मारने के लिए, ये नहीं कि इनोशन थी इस वजह से भोली बोलते थे, वो थोड़ी बेवकूफ जैसी हरकतें करती थी इसलिए उसको भोली भोली बोलने लगे थे। तो वहां से उसका नाम सुलेखा से बना भोले। अब भोली के जिंदगी में तकलीफों का दौर शुरू हुआ, और जब वो 2 साल की थी तो उसको हो गया स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को होने की वजह से क्या हुआ कि उसके चेहरे पे, आंखों के अलावा पूरे शरीर पे दाने हो गए, दाग हो गए, और वो जब बीमारी हटी तो भी वो दाग हटा नहीं, जिसके वजह से जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी उसके चेहरे पे, पूरे शरीर पे दाने हो गए थे, दाग हो गए थे, जिसके वजह से वो और परेशान रहने लगी क्योंकि सब लोग उसको चिढ़ाते थे। और चिढ़ाने का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया जब वो 5 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाई, और जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो बेचारी मतलब हकलाने लगती थी, शब्दों को सही से बोल नहीं पाती थी। जैसे वो अगर अपना नाम बोल रही है तो भो 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 बस इतना करके वो रुक जाती थी। इसके वजह से उसको सब चिढ़ाते थे, बच्चे परेशान करते थे। अब सबसे ज़्यादा माँ बाप को चिंता होती थी उसकी शादी की, कि इसकी शादी कैसे करें। राधा की शादी बहुत पहले ही हो गई थी, जो दूसरी बेटी थी उसका नाम था मंगला। मंगला की भी इंगेजमेंट तय हो गई, शादी तय हो गई थी, अब शादी होने ही वाली थी। 7 साल की जब उम्र की थी भोली, तो 7 साल की उम्र में मंगला की भी शादी फिक्स हो गई, शादी हो गई, शादी डोली उठ के चली गई। और उसी टाइम गांव में, जो लोकल गांव था वहां पे पहली बार एक स्कूल खुला। अब तहसीलदार साहब आए अपने घोड़े पे एकदम मस्त सूट बूट में, और उन्होंने रिबन काटा स्कूल का। अब जो रामलाल था यानी भोली के जो पिता थे, वो क्या थे भाई, एक रिवेन्यू ऑफिसर थे, एक अच्छा खासा नाम था उनका पूरे गाँव में, एक सरकारी औहदे पे थे। तो तहसीलदार ने कहा कि भैया देखिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और आपको कम से कम अपने बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा। अब क्या थी, वो माहौल नहीं था उस समय स्कूल भेजने का। तो जब ये बताया गया, जब रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया, तो वो गुस्सा हो गई कि पागल रखे हो क्या यार, कैसे भेज सकते तुम अपने बच्चों को स्कूल, शादी कौन करेगा इससे। पर जो उसकी वाइफ थी तो उसने ये सोचा कि यार भोली तो ऐसे ही दिमाग से दिक्कत है, इसको ऊपर से दाने हो रखे हैं, इसे ब्याह का तो होना ही नहीं है कुछ, तो एक काम करो इसको भेज देते हैं, जो भी टेंशन होगी वो संभालेगा कौन, स्कूल वाले। रामलाल डिसाइड करता है, और वो तहसीलदार को मना भी नहीं कर सकता था, वैसे भी वो भेजने का प्लान में था ही। तो उसने भोली को सुबह लेके जाने लगा। जब वो जा रहा था तो भोली चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रीजन क्या था, क्योंकि भोली के घर पे एक गाय थी लक्ष्मी, एक बार पिताजी भी उसको लेके जा रहे थे बाहर और वापस लेके ही नहीं आ गए। तो वो डर रही थी कि कहीं गलती से मुझे भी लक्ष्मी की तरह लेके जाए और वापस लेके ही ना आए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पर भोली के जो पिताजी थे रामलाल थे, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको एकदम सजाओ धजाओ, अच्छे कपड़े पहना दो। तो उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, बालों में शैम्पू की गई, कंघी करी गई। तो भोली ने कम से कम इतना तो जान लिया था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से बेटर जगह ही मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी अच्छी देख रेख कर रहे हैं मेरे। तो रामलाल भोली को स्कूल लेके जाते हैं। अब स्कूल में जब पहुँचे तो स्कूल में उसको हेडमिस्ट्रेस जो होती है उसको दे दी, सौंप दी जाती है। भोली थोड़ी नर्वस होती है, पहली बार स्कूल गई है ना, उसने स्कूल के बारे में जानती है क्या होता है कुछ नहीं पता उसको। अब जब भोली स्कूल में घुसती है तो देखती है कि बहुत सारे कमरे हैं, कमरों में बच्चे बैठे हुए हैं, चटाइयाँ हैं वहाँ बैठी हुई है, और उन्हीं में से एक कमरे में इसको लेके जाया जाता है। अब कम से कम इसने ये डिसाइड कर लिया कि इन बच्चों में से एक तो दोस्त कम से कम मैं बना लूँगी। दीवारों पे पेंटिंग लगी है, घोड़ों को लगी है, घोड़े को देख कर उसको याद आ रहा है कि तहसीलदार साहब थे वो भी ऐसे ही घोड़े में आते थे। गाय दिखती है उसको अपनी लक्ष्मी याद आ जाती है, तोता दिखता है उसको याद आता है कि आम के पेड़ पे भी तोता ऐसे ही बैठा हुआ था, बकरी दिखती है तो उसको पड़ोसी की बकरी याद आ जाती है। तो वो इन्हीं सब चीज़ों में खोई रहती है, तब तक उसको एहसास भी नहीं होता कि टीचर उसके बगल में खड़ी है और उसको देख रही है। टीचर की तरफ उसकी निगाहें होती हैं, टीचर उसको देखती है और बड़ी मुस्कुरा के, मैडम बहुत अच्छी थी ठीक है, तो बड़े मुस्कुराते हुए मैडम कहती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली कोशिश करती है बोलने की और भो भो बस इतना ही करती है, और फिर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और रोने लगती है।
और कोने में जाके बैठ जाती है, और पूरे जब तक स्कूल खत्म नहीं होता तब तक वो रोती रहती है और सर उठा के नहीं देखती। उसको लगता है कि बच्चे अभी भी उस पर हंस रहे होंगे। क्लास खत्म होती है, स्कूल के सारे बच्चे घर चले जाते हैं। मैडम बहुत प्यारी होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं। वो आती हैं और बच्चे से कहती हैं कि भोली से कि तुम्हारा नाम क्या है। एक बार फिर से कोशिश करती हैं, वो बोलने की कोशिश करती है। अब मैडम की इतनी प्यारी आवाज़ होती है कि भोली इस बार रजिस्ट कर ही नहीं पाती, मना कर ही नहीं पाती। एक बार कहती है कि चलो एक बार इस औरत के लिए कम से कम कोशिश मैं कर देती हूँ। वो फिर इतना करती है, वो तक पहुँचती है तो मैडम इनकरेज करती है, कहती है हाँ बेटा तुम कर सकती हो। तो भोली फाइनली अपना नाम पूरा बोल देती है। अब उसको मैडम बहुत शाबाशी देती है कि तुम देखो इस बार बोल दिया, अगर डेली ऐसे ही आओगे तो तुम पूरा अपना नाम बोल पाओगी। उनको भोली को एक किताब देती है मैडम, कहती है इस किताब को एक महीने में कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें और किताबें दूंगी, उसके बाद और दूंगी, और पूरे गांव में तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, और जब पढ़ी लिखी हो जाओगी सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। अब ऐसे ही कारवा चलता रहा, समय बीतता रहा, जो गांव था वो टाउन बन गया और सारी सुख सुविधाएं उस गांव में उपलब्ध होने लगी। तभी एक दिन भोली के लिए एक रिश्ता आया। अब रिश्ता जो था वो काफ़ी अच्छे घर से था, ठीक है। अब जो लड़का था वो काफ़ी पैसे वाला था, तो विशंबर थे, जो लड़के के रिश्ता आया था उसका नाम विशंबर था। तो क्या हो कि भोली के माता पिता डिस्कशन कर रहे थे कि ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब प्रॉब्लम थी, सबसे पहले देखते हैं कि तारीफों के पुल जो थे विशंबर के लिए वो क्या कहते हैं। पहला, विशंबर के अकाउंट में पैसा था और उसके हिसाब से तुम बोल सकते हो कि उस समय के हिसाब से कि अंधा पैसा था बंदे के पास, अपना घर था, दुकान था, तो कोई समस्या थी नहीं। अब जरा उसके नुकसान देख लेते हैं कि विशंबर की दिक्कतें क्या थी। विशंबर 45-50 से एज का था, लगभग भोली के पिता के एज का, साथ में बूढ़ा हो गया था। जो बच्चे थे पहली वाइफ के वो लगभग बड़े हो गए थे, भोली की उम्र के होंगे कुछ। तो उसके बाद उसकी पीठ पे थोड़े कुबड़ जैसा भी कुछ व्यवस्था था, लिंप था, ये व्यवस्था था उसके लिए। पर भोली के जो माता पिता थे वो भोली को अलग ही नजरिए से देखते थे। वो सोचते थे कि ये तो एक बोझ है, इसको तो जो ले जाए ले जाए, वरना इसकी तो शादी नहीं होगी। अब ये रिश्ता जो होता है फाइनली फिक्स हो जाता है कि हाँ जी शादी होगी। अब आता है विशंबर एकदम दाजे बाजे के साथ, एकदम शानदार बारात, यहाँ तक कि जो राधा उसकी बड़ी बहन होती है और मंगला होती है वो जेलस फील करती है कि क्या किस्मत है इसकी, कितनी शानदार बारात आ रही है, मतलब एकदम स्टैंडर्ड वाली बारात, एकदम मस्त धूमधामे के साथ बारात का स्वागत होता है। बारात आता है, पंडित जी अपने जो हवन कुंड था उसमें अपने गाने बजाने कर रहे हैं, अपने मंत्र उत्र फूंक रहे हैं, शादी का पूरी व्यवस्था हो गया। पंडित जी कहते हैं कि हाँ जी दुल्हन को लेके आओ। अब दुल्हन की एंट्री होती है, दुल्हन घूंघट में, विशंबर और उसके दोस्त मजे ले रहे हैं आपस में। तब तक वरमाला का टाइम आया, अब भोली वरमाला पहनाने वाली है, विशंबर वरमाला पहनाने वाले हैं। तभी एक पीछे से आंटी जी आती हैं और भोली का घूंघट को थोड़ा सा हटा देती हैं। अब जब घूंघट को जैसे ही हटाती हैं जो उसके चेहरे का जो स्मॉल पॉक्स था के दाने थे वो दिख जाते हैं। अब विशंबर दूसरे गांव में था, दूसरे गांव में से भैया उस जमाने का है कि फोटो नहीं दिखाया जाता था, या डेटिंग पे वो नहीं होती थी बातें कि हाँ जी कैसा है क्या हाल है ये सब नहीं होता था। तो इनको कुछ भी नहीं पता था कि कैसा दिखता था, कैसा ये लड़की कैसी दिखती है, लड़का कैसा दिखता था, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं था शादी से पहले। अब पहली बार विशंबर भोली का चेहरा देख रहा है। अब विशंबर ने जैसे ही भोली का चेहरा देखा उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। स्टार्टिंग में वो दहेज लेने के लिए मना करा कि दहेज नहीं लूंगा, भाई बूढ़ा हो गया तब दहेज क्या ही लेता वो। तो उसने कहा मैं दहेज नहीं लूंगा, पर अब मैं दहेज लूंगा, मुझे 5,000 रुपये दोगे तो अब शादी होगी वरना नहीं होगी। अब रामलाल अपना पगड़ी, सो कॉल्ड जो बॉलीवुड पिक्चर में होता है ना पगड़ी आगे रखते हैं, तो वही वाला सिस्टम होता है, पगड़ी आगे कर देते हैं कि हाँ जी ये पगड़ी रही, मालिक ब्याह कर लो प्लीज, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, इज्जत का सवाल है। विशंबर कहता है जी नहीं, 5,000 रुपये दो, जो होगा उसके बाद देखेंगे, 5,000 तो चाहिए चाहिए। रामलाल कहता है भाई 2,000 में मान जाओ, विशंबर कहता है नहीं। तो फाइनली रामलाल जाता है और 5,000 रुपये लेके आता है और उनके चरणों में रख देता है विशंबर साहब के। विशंबर साहब एकदम मस्त मस्त स्माइल देते हैं कि हाँ जी भाई जुआ खेला था, सट्टा खेला था, 5,000 का जीत भी गया, लड़की से शादी भी होगी, चाहिए क्या जिंदगी में। और विशंबर एकदम अपने ऐंठ में आता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि चलो जी लेके आओ वरमाला, अब वरमाला पहनाएंगे। अब वरमाला पहनाने जाने वाले थे, अब जो भोली की आंखें नीचे थी ऐसे, अब निगाहें मिल रही थी, भोली अब आ गई थी कॉन्फिडेंस में और उसने कहा जी पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। जैसे ही उसने बोला पूरा मतलब सन्नाटा,
क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। कुछ लोगों ने बोला कि यार गजब बदसूरत तो है ही, ये बदतमीज भी हो गई है, कैसे बोल सकती है ये, एक शादी नहीं करी है। इसने बोला ही क्यों, शादी तो छोड़ो, इसको लड़की को तो बोला ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसे थे वहाँ पे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनमें से तो एक आंटी ने ये भी कह दिया तो हम इसको गाय मानते थे, तो इसने ये भी बोल दिया कि भोली ने कहा कि हाँ गाय मानते थे इसीलिए किसी के हाथ साथ भी ब्याह करने पर चले गए थे, और ये गाय बहुत खतरनाक हो गई है, कुछ और सुनना है तो बताइए। अब जब तक ये बोला तो आंटी भी शांत हो गई। अब पिताजी से कहा कि देखिए पिताजी, आपकी इज्जत की बात थी इसीलिए मैं शादी के लिए हाँ बोलती थी, पर इस घमंडी, इस कायर और लालची आदमी को मैं अपना पति तो नहीं बनाऊंगी, ये फिक्स है। अब ये चलता रहता है माहौल, बराती चले जाते हैं, जब बराती निकल रहे हैं तो बैंड बाजे कन्फ्यूजन में कि भैया उनको लगता है विदाई का समारोह है, तो वो बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। खैर बराती चली गई, जो पब्लिक आई थी वो भी चली गई। अब रामलाल बैठा हुआ है, भोली बैठी हुई है, भोली हाथों में हाथ लेके अपने पिताजी से कहती है पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, रही बात आप बूढ़े हो जाओगे आप और माँ, आपकी चिंता, आपके लिए कोई होना तो चाहिए, मैं रहूँगी, और जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, जहाँ स्कूल से मैं पढ़ के पास हुई हूँ, वहीं पर मैं पढ़ा भी लूँगी। क्यों मैम? और मैम जो थी जिन्होंने पढ़ाया था वो बगल में खड़ी होकर ये सब देख रही थी, और जब उसने कहा क्यों मैम, तो मैम के चेहरे पर एक स्माइल आया और उन्होंने कहा हाँ। सेम वो स्माइल तब आती है जब एक आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, कलाकार जब अपना कला बनाता है और उसको देख के मुस्कुराता है कि हाँ मैंने कुछ जबरदस्त बनाया है। सेम वैसे ही उसकी मैडम ने वैसे ही मुस्कुराया जब उसने भोली को देखा, उसके काम को देखा, और उसको समझ में आया कि हाँ मैंने कुछ एक अच्छा काम किया है। और इसी के साथ समाप्ति होती है इस चैप्टर की। मोर ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले दहेज बर्बाद है, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज एक विशाप है हमारे समाज में। इसी के साथ समाप्त करते हैं चैप्टर को। टेक केयर, बाय बाय।